हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत देर से कमेंट आ रहा है कि होम टूर की वीडियो दिखाओ, होम टूर की वीडियो दिखाओ। तो फाइनली आज हम होम टूर की वीडियो लेके आ गए हैं। और इस वीडियो में हमारी अभी फिलहाल नहीं है, वो स्कूल गई है और इसका इवनिंग में स्कूल है, तो दोपहर में जाएगा, इसलिए अभी ये घर में है। और मेरा बोलने में थोड़ा तकलीफ होती तो मेरी बात आप लोगों को थोड़ा शायद कम समझ में आए, तो उसके लिए पहले से सॉरी। तो चलो हम होम टूर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो तो सालिम अभी बेल बजाएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन निकलता है घर से। आपको पता है कौन निकलेगा? तो फाइनली दरवाज़ा खुलते ही आपको सबसे पहले सालिम की प्यारी प्यारी मम्मी, जिसे आप लोग बोलते हो कि ये बड़ी बहन दिखती हैं, आपको ये दिख जाएंगी। और दो प्यारी प्यारी बिल्लियाँ आपको दिख जाएंगी, देखो ये भी बाहर जाने के लिए उतावली हो रही है। चलो अंदर। तो दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा गई 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 गई, उसको ले जाओ पहले। हाँ इसको अंदर ले जाओ। हाँ चलो, हाँ दरवाज़ा बंद करो पहले, दरवाज़ा बंद करो। हाँ हाँ, तो दोस्तों एंट्री करते ही आपको ये हॉल दिख जाएगा, इतना बड़ा सारा। और ये हमारा मेन दरवाज़ा है, यहाँ से हमने एंट्री किया। इसके बगल में ही आपको ये फ्रिज दिख जाएगी। तो ये फ्रिज शायद 8 या 7 से 8 साल पुराना है। हम पहले है ना, हम पहले धारावी में रहते थे, तो वहीं पे हमने ख़रीदा था। फिर हम 3 साल हमें यहाँ भी हो गया आके। तो ये हमारी फ्रिज है सैमसंग की। उसके बगल में आपको एक किचन दिख जाएगा। तो ये हॉल में ही आपको एक किचन दिखेगा, हमारा किचन अलग से नहीं है, हॉल में है किचन। स्टार्टिंग में ही दरवाजे के पास ही ये फ्रिज और ये किचन किचन है। और यहाँ पे एक शीशा भी लगा हुआ है सालिम की मम्मी का चेहरा देखने लिए, पकाते पकाते अपना चेहरा भी देखती है इसमें। कैसा दिखती हो आप बताओ? हाँ ये ऐसा दिखती हैं। और ये बर्तन का स्टैंड है, थोड़ा बहुत बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है, हाई फाई बर्तन भी नहीं है, बस यही बर्तन है। और ये भी हमने धरावी से ही ख़रीदा था। और ये गैस चूल्हा ये भी धरावी से ख़रीदा हुआ है, मतलब हम वहाँ रहते थे, सब कुछ वहीं से हम लेके आए यहाँ पे। यहाँ का बहुत कम ही सामान था, पहले का ही पुराना सामान है। तो ये कांच का चूल्हा, कांच का इसको बोलते हैं, हाँ ये कांच का चूल्हा है, गैस स्टोव है, चूल्हा बोलो। और ये मॉड्यूलर किचन है, ये सामान वामान रखने का अंदर देखो यहाँ भी है, और यहाँ भी सब सामान वगैरह रख सकते हैं, ये सब पहले से बना हुआ था। तो और ये बगल में सिलेंडर भी रखा है, जिसमें हमारी बिल्लियाँ अक्सर बैठती हैं, खाने के लिए मांगती हैं बैठ के। ये नहीं, ये ज़्यादा बैठती है ना, हाँ ये ज़्यादा बैठती है, थोड़ा कम बैठती है। हाँ और ये बाटला हमारा रखा हुआ, हमारा गैस कनेक्शन है, लेकिन इसमें तो गैस पाइपलाइन आई हुई है ऑलरेडी, देखो आप देख सकते हो ये गैस की लाइन आई हुई है, इस चूल्हे में लगी हुई है। तो हम ये गैस का ये जो लाइन आया हुआ ये यूज़ करते हैं, बाटला फिलहाल रखा हुआ है। अब इसके बगल में आप आओगे तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे वॉशरूम। तो वॉशरूम एंट्री करते हैं हम, इस आप अंदर आते ही आपको एक शीशा दिख जाएगा, जो हमने इसे सिर्फ रखा हुआ, ऐसे ही वो चिपका हुआ नहीं है। और ये वॉश बेसिन है, टॉयलेट। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, जिसकी वीडियो हमने बनाई, आप जानते हैं वॉशिंग मशीन कुछ देर पहले हमने मंगाई है। ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है, लाइट जला, लाइट हाँ, ये ड्रम भी रखा हुआ है, क्योंकि पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ड्रम भी भर के रखते हैं हम, ड्रम भरा हुआ है। और वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, ये इतनी जगह है। और ये नल लगा हुआ है यहाँ पे, शावर लगा हुआ है, इसके पापा नहाते हैं, हाँ कभी कभी नहा लेता हूँ शावर में कभी कभी। और ये डिश है, एक बाल्टी है, और एक सीक्रेट दरवाजा है, इसको हम आपको बाद में बताते हैं किस काम आएगा। अभी हम हाँ डिश बाल्टी सब नहीं, बाल्टी भी यहाँ खरीदा हूँ, डिश जो है वो धारावी से लेकर आए। हाँ तो अभी हम फिर वॉशरूम से बाहर चलते हैं। तो एक चेयर है हमारे पास ये, और एक टेबल ये है, और एक टेबल ये है। और फिर हम आपको दिखाते हैं ये एक बेड, ये बेड है, बेड बोलेंगे क्या बोलेंगे, सिंगल बेड है जो भी है। तो ये भी करीब 6-7 साल पुराना ये भी है। और ये, और ये छोटा सा जो ये कबाड़ बोलेंगे क्या बोलेंगे पता नहीं, ये दोनों एक साथ हमने ख़रीदा था धारावी में ही। और फिर जब यहाँ आने लगे तो हम उसको लेते आए। अगर अब चेंज करेंगे तो अब इस बार अगर रूम चेंज करेंगे तो ये पक्का हमारा टूटने वाला, हिल रहा है, ये सब ख़राब हो चुका है, सब निकल गया, ये देखो ये सब पूरा निकल गया है, ये काफ़ी ख़राब हो चुका है यहाँ। और ये कबाड़ जो है, इसके बारे में हम बताते हैं, कबाड़ आप देख लो। तो फिर यहाँ आओगे तो आपको ये बालकनी दिखेगी, देख लो ये पर्दे लगे हुए हैं, तो ये बालकनी है, स्लाइडिंग डोर है, इसको बहुत टाइट हो गया है, बहुत टाइट हो गया है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कचरे का डब्बा है, ये चप्पल रखने का, ये रेनकोट रखा हुआ है, एक सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है, एक कुर्सी रखी हुई है, और एक गैस का मीटर लगा हुआ है यहाँ देख लो। और आपको यहाँ से बाहर पूरा पार्किंग और क्लब हाउस और पूरी बिल्डिंग हमारी यहाँ से दिख जाएगी। तो ये हमारा पूरा हॉल और किचन हो गया एक साथ,
यहाँ से आप देख सकते हो वो स्टार्टिंग वहाँ से आए और यहाँ एंड हुआ, ये पूरा हो गया। और ये कबाड़ के बारे में अभी हम, और यहाँ पे हमारे ये अरबी इसकी रखी है जानमाज, और ये कुरान शरीफ रखा हुआ है। और अब हम चलते हैं, ये वॉशरूम था, इसके बगल में ये आपको छोटा सा बेडरूम दिख जाएगा। बेडरूम में आप जैसे आओगे, ये एक बेड दिखेगा आपको, ये बेड है, हाँ ये बेड है। और यहाँ पे दो सिल्वर प्ले बटन रखा हुआ है, और ये शादी में डांस को ट्रॉफी कुछ मिली हुई है, तीन वो रखी हुई है, और मेरी कुछ दवाई वगैरह रखी है यहाँ पे। ये है जो मतलब इससे मैं कुल्ला वगैरह करता हूँ, वेल्डाडीन है, ये शहद रखा हुआ है, ये चाय पानी, और ये भी खुलता है, इसके अंदर भी रख सकते हो आप ये सामान। और ये यहाँ भी एक कबाड़ है, तो ये कबाड़ और बेड और जो बाहर आपने वाला, हाँ ये वाला कबाड़, ये तीनों हमने यहाँ ये रूम में आने के बाद लिया है। तो ये मेरा कैसे लिया वो सब छोड़ो, कैसे लिया कब लिया, तो हमने यहाँ लिया है ये रूम में आने के बाद। उससे पहले हमारे पास ये था, जो था ये और ये था, कई सालों से पुराना है, ये अभी नया मतलब। और यहाँ रुको रुको, और यहाँ पे आपको रिंग लाइट दिख जाएगी, ये रिंग लाइट है, और एक ट्राईपॉड है, और ये बैग है जो इसमें मैं काम पे जाता हूँ, और ये कुछ थोड़ा सा भंगार ऊपर रखे हुए हैं। अच्छा जी हाँ, और तकिया वगैरह सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब हम आते हैं इसके बालकनी में, तो ये बालकनी है, यहाँ भी ये आपको कपड़ा सुखाने वाला स्टैंड यहाँ पे है लगा, कपड़ा देखो टंगे हुए हैं, तो कई ने लगाया है। और शादी में साइकिल यहाँ रखी हुई, क्योंकि बाहर से साइकिल हम वहाँ खड़ी करते थे वहाँ पे, तो वहाँ से साइकिल चोरी हो गई, जिसकी वीडियो हमने डाला था आपने देखा होगा, चोरी हो गई है, इसका ब्रेक व्रेक भी तोड़ दिया, जब से हम इसको अंदर ही खड़ी कर रहे हैं, बाहर नहीं खड़ी कर रहे हैं। और इसका लॉक भी पता नहीं था, लॉक भी चोरी हो गया इसका, तो बहुत लोग को लगा कि हमने फेक वीडियो बनाई थी, फेक वीडियो नहीं थी, रियल में चोरी हो गई थी, लॉक वगैरह इसका गायब हो गया है ये अभी, तो इसके लिए अंदर ही खड़ी करते हैं। और ये जो है स्टैंड, ये भी हम धारावी से लेके आए हैं, ये हमारे पास अब यहाँ रखते हैं चप्पल जूता सब, मतलब हमारे घर में आधे से ज़्यादा सामान धारावी का। हाँ सब वहीं, अरे तो वहीं रहते थे अभी 3 साल, तो वही हम लोग को यहाँ आके, तो सब सामान वहीं के हमने यहाँ, ये भी यहाँ खरीदा, ये रूम में आने के बाद ये खरीदा है, और ये साइकिल भी, साइकिल खरीदा, हाँ साइकिल खरीदा, ये खरीदा, और बेड और दोनों कबाड़, ये इतना सामान जो है ये रूम में आने के बाद खरीदा, नहीं बाकी जितना भी। पापा का स्टूल है, उस पर चाय पानी सब रखा हुआ है। हाँ स्टूल बहुत पुराना है, ये रखा वहाँ पे। और यहाँ पे पंखा रखा हुआ है लगा हुआ, छोटा पंखा ये, और ये फैन, और जितनी भी लाइटें लगी है सब हमारी लगवाई हुई हैं, ये फैन वैन भी सब पुराना ही है, कुछ नया नहीं यहाँ का। पंखे सब हमारे हैं, हाँ बेल भी हमने लगवाई, क्योंकि रूम में आए तो यहाँ कुछ लगा हुआ नहीं था, सब कुछ लगवाना पड़ा खुद ही हमको, यहाँ कुछ लगा नहीं था। बेड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं, ये बेड में ये इधर वो तो मैंने दिखाया, अच्छा दिखा दिए, हाँ और नीचे का नहीं, ये नहीं दिखाया, बॉक्स बने हुए ऐसे अलग अलग, ये गद्दा है, गद्दा हमने अलग से खरीदा और बेड अलग से खरीदा, तो इसमें से बॉक्स बने, कितने बॉक्स हैं इसमें, 6 बॉक्स हैं, 6 बॉक्स बने, एक ऐसा तीन इधर 6 बॉक्स है, इसको उठा के इसमें सामान वगैरह ऐसा रख सकते हैं। और आपको जो मैंने बोला था सीक्रेट दरवाजे के बारे में, तो आपको बताता हूँ सीक्रेट दरवाजे के बारे में, ये एक दरवाज़ा देखो, ये तो हम बेडरूम का दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा इधर है, ये खोलेंगे तो आप बेडरूम से भी सीधा वॉशरूम में आ जाओगे, यहाँ से भी दरवाज़ा है, और पहले जहाँ से हम आए थे ये दरवाज़ा है, मतलब यहाँ सीधा हॉल, ये सीधा हॉल में आ गए, और यहाँ से जाएंगे सीधा, हाँ हाँ ये ट्रायंगल बन गया इसे, देखो हाँ ये ट्रायंगल बन गया, ये इधर से बेडरूम, इधर से हॉल, हॉल और ये बाथरूम, तो मतलब एक वॉशरूम के 2 दरवाजे हैं। तो ये सीक्रेट था आपको जो मैंने बता दिया, बेडरूम से भी दिया है दरवाज़ा और हॉल से भी, हाँ तो क्योंकि इस रूम को बेडरूम या वन किचन रूम या वन बेडरूम हॉल किचन ऐसा नहीं बोलते, इस रूम को बोलते हैं स्टूडियो रूम, बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा स्टूडियो रूम किसको बोलते हैं, जिस हॉल में किचन रहता है उसको बोलते हैं स्टूडियो रूम, पहले हमको भी नहीं पता था, हम ये रूम में आने के बाद पता चला कि स्टूडियो रूम बोलते हैं। तो एक छोटा सा अगर यहाँ किचन होता तो फिर ये बेडरूम नहीं होता, खाली हॉल होता, इसलिए बिल्डर ने ऐसा बनाया, इसको बोलते हैं स्टूडियो रूम, किचन को बना दिया हॉल में और एक छोटा सा बेडरूम निकाल दिया। तो किसको किसको नहीं पता था स्टूडियो रूम के बारे में, वो कमेंट जरूर करना। तो आपने देख लिया, आप लोग होम टूर बोल रहे थे कि आपको लगा बहुत बड़ा घर, बड़ा घर नहीं, एकदम छोटा सा घर है, लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि हमारा घर नहीं है, ये रेंट, हम रेंट पे रहते हैं, मतलब भाड़े पे रहते हैं,
तो हर 11 महीना या 22 महीने के बाद हमको रेंट खाली करना पड़ता है। इससे पहले की जिसने वीडियो देखा होगा हम दूसरी बिल्डिंग में 20 माले पर रहते थे। अभी एक साल दो तीन महीना हो गया यहाँ आके। हाँ। तो वैसे एग्रीमेंट इसका ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसका रूम में थोड़ा अच्छे आदमी हूँ, उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू भी आगे रह सकते हो, अगर बीच में खाली करने बोलेंगे तो हम लोग खाली कर देंगे। फिलहाल अभी हमको रहने के लिए बोला उन्होंने, तो हमारा इसलिए हम होम टूर नहीं दे रहे कि अपना घर तो है नहीं, लेकिन आप लोग बार बार हर वीडियो में कमेंट आ ही रहा था कि होम टूर दो। आपको होम टूर दिखा दिया, ये हमारा नहीं है, ये रेंट पे है। और जिसका रूम, उनका नाम भी बता दें आपको, उनका नाम है राकेश भाई, बहुत अच्छे आदमी बेचारे वो। हाँ, तो आज हमने आपको भाड़े के घर का होम टूर दिखाया है, पर आप हमें इतनी दुआ करो, इतना सपोर्ट करो कि आगे जाकर हम हमारा खुद का एक घर ले सके और आपको उसका भी होम टूर दिखा सके, और वो भले से इससे भी बहुत छोटा हो पर वो हमारा खुद का घर हो। तो आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और बहुत ज्यादा दुआ दो। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये घर, हम लोग धारावी से यहाँ आ गए बिल्डिंग में, ये हमारा खुद का घर है, हमने खरीद लिया है। धारावी में भी 10,000-11,000 इस तरह का भाड़ा है, और यहाँ पे भी है 1-2 हजार का फर्क रहता है, पर वहाँ है चौल में छोटे छोटे घर, मतलब वहाँ झोपड़े में जितना भाड़ा है उतना ही भाड़ा समझ लो, हजार ज्यादा है, हजार कम, उतना भाड़ा बिल्डिंग में है। तो झोपड़े में रहना अच्छा है या बिल्डिंग में रहना अच्छा, आप ही लोग बताओ। आप ही लोग बताओ। और लोग सोचते हैं कि धारावी से लोग वहाँ चले गए, इसका मतलब बिल्डिंग में खुद का घर ही नहीं है, खुद का नहीं है, सबको पता भी है, लेकिन फिर भी लोग सबको बताते हैं, पर फिर भी नहीं, उन लोगों को यकीन आता है कि खुद का घर नहीं है, बीमारी आ गई और घर के थोड़े हालात खराब हो गए। नहीं, अब तक शायद हमारा खुद का घर भी होता, इतना बड़ा तो नहीं होता, छोटा मोटा ही होता, पर हो जाता, पर कोई बात नहीं। पर अब आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से थोड़े घर के हालात अच्छे हैं, और इसी तरह अगर आप लोग प्यार देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो शायद इंशाल्लाह सबसे ज्यादा काम आए आप लोग का दुआ, आप लोग दुआ करते रहो इंशाल्लाह, बहुत काम आए, छोटा भी घर हो जैसे और भी छोटा घर है, लेकिन क्योंकि हम लोग छोटी फैमिली है, हमें ज्यादा बड़े घर का शौक वो भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, हमें छोटा बस घर हो कि घर हो, क्योंकि रेंट में बहुत से लोगों को लगता होगा बहुत आराम है इनको, बहुत, तो हमें भी बहुत परेशानियां होती है, सोसाइटी में ना इज्जत नहीं रहती, बोले भाड़े वाले, भाड़े वाले, अरे तुम्हें क्या, तुम भाड़े वाले हो, भाड़े वाले को इज्जत नहीं रहती, बच्चे लोगों को भी बच्चे बोल देते हैं कि अरे तुम्हारा खुद का घर नहीं है, तुम भाड़े पे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो बहुत से लोगों को लगता है हम लोग भाड़े पे रह के बहुत आराम से है, पर हम लोगों को पता है कितनी तकलीफें होती हैं, जब रूम चेंज करना पड़ता है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है, सामान इधर उधर शिफ्ट करना, कितना सामान तो खराब हो जाता है, इसीलिए हम लोगों ने कितना सामान तो लिया ही नहीं है, सामान बहुत कम रखा है। कितने लोग सामने से बोले भी, अरे आपके घर में तो कोई सामान ही नहीं है, कोई जरूरत का सामान नहीं है, ऐसा सामान नहीं है वैसा, हमें भी शौक है हर चीज का, पर हम नहीं लेते, मजबूरी है हमारी। तो आज हमारे पास घर हो या ना हो, हमें उस बात का कोई अफसोस नहीं है, हम भाड़े पे रहते हैं, हम खुश हैं, पर मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सादिम के पापा हमारे साथ हैं, और इतनी बड़ी कैंसर की बीमारी आप लोग जानते हैं कि कैसी होती है, और आप लोग समझ सकते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है कि सादिम के पापा हमारे साथ हैं, घर हो या ना हो, कोई चीज सामान अच्छा हो या ना हो, बस सादिम के पापा हमारे अच्छे रहें, आप लोग भी दुआ करिए इनके लिए, ये हमारे साथ है ना, हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। तो ज्यादा बड़ा घर था इसलिए होम टूर भी ज्यादा बड़ी वीडियो बन नहीं पाई, बस इतना ही था जितना आपको दिखा दिया हमने, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लोग हमारे लिए जितना हो सके उतना दुआ करो, ताकि शायद किसी ना किसी की दुआ तो लग जाए, तो हमारे भी दिन बदल जाए, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितनी हो सके उतना अच्छी रहे, तबियत अच्छी रहे, चलो फिर, थैंक यू, बाय।